केदारनाथ उपचुनाव में जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दावा किया है कि कांग्रेस बड़े अंतर से केदारनाथ उपचुनाव जीतने जा रही है और पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर इस उपचुनाव को जीतने के लिए मेहनत करेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह का भ्रष्टाचार और अव्यवस्था प्रदेश के अंदर भाजपा शासन में चल रही है, उससे केदारनाथ भी अछूता नहीं है। इसलिए केदारनाथ की जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव की तरह यहाँ भी परचम लहराएगा। वही टिकट की घोषणा पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय आलाकमान जल्द ही आपसी सहमति से प्रत्याशी की घोषणा करेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ जी, आप सहमति बनेगी, एकजुटता से लड़ेंगे? बिल्कुल, ऐसे हमने मंगलौर हम जीते हैं, हम बद्रीनाथ जीते हैं, जनता का आशीर्वाद सहयोग मिला है, उसी तरह हम केदारनाथ में भी पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। उम्मीदवार का चयन होना बाकी है और जिस दिन उम्मीदवार चयनित हो गया, हाईकमान ने जिनको उम्मीदवार बनाएंगी, हम उसका पुरजोर तरीके से प्रचार भी करेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। प्रयोग करेगी वहाँ पर सरकार ने धन बल का, सत्ता बल का, बाहुबल का हमेशा इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि केदारनाथ में ये कुछ भी कर लें, लेकिन जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, और हम जीतेंगे।